हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच। इसके साथ ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स इन एग्जिस्टिंग स्कूल करिकुलम। बहुत ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगी बिकॉज काफ़ी ईजी टॉपिक है एंड बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। मेन फोकस होता है ऑन कंटेंट ऑफ करिकुलम। द मेन थिंग इन दिस अप्रोच इज टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल रिसोर्सेज रिगार्डिंग सब्जेक्ट, यानी कि पूरी तरीके से सब्जेक्ट पे फोकस्ड होती है। इट डिवाइड्स करिकुलम इनटू मैथ, साइंस, हिस्ट्री, आर्ट एंड लिटरेचर। हर एरिया में जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर ली जाती है और बच्चों को सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है वो डिसाइड कर लिया जाता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके? फोकस ऑन सब्जेक्ट रेदर देन इंडिविजुअल। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम है फॉर ऑल स्कूल स्टेट्स। अच्छे तरीके से स्टैंडर्डाइज वे में इसे डिज़ाइन किया जाता है। प्री डिटरमाइंड थिंग्स है कि क्या पढ़ाया जाएगा, कब पढ़ाया जाएगा, कितना पढ़ाया जाएगा, ऑलरेडी डिसाइडेड है। यूजफुल होती है फॉर क्राउडेड क्लास जहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन देना पॉसिबल नहीं है। डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस है यानी कि हर सब्जेक्ट अलग है एक दूसरे से। प्रैक्टिस ऑफ स्किल, रिवीजन, कोचिंग, रेमेडियल क्लासेस होती हैं। स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स टू मेजर रिजल्ट्स, प्रॉपर टेस्ट होता है उनका, प्रॉपर एनालिसिस होता है। रिसोर्स बेस्ड होती हैं, बुक, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज, सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। सब्जेक्ट मास्टरी पे ज़्यादा फोकस करता है ये और रिजिड होता है यानी कि बच्चे के नीड के हिसाब से इसे चेंज नहीं किया जाता। मेरिट्स की बात करें तो इजी टू इम्प्लीमेंट है, कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता है, रिलायबल है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है बच्चे की। ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत होती है इसके लिए, ट्रेंड टीचर्स से सीखते हैं, असेंशियल नॉलेज देती है सोसाइटी की। डी मेरिट्स हैं, इट्स डू नॉट कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फेल्स टू फॉस्टर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। लर्नर को पैसिव बनाता है कि वो बस टीचर की बात सुनते हैं और फिर उसी को याद कर लेते हैं। निगलेक्ट्स नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता बिकॉज सब्जेक्ट सेंटर्ड है। क्रैमिंग को प्रमोट किया जाता है, रिजिड है, किसी के लिए चेंज नहीं होता। नेक्स्ट इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, इट एम्फसिस इंडिविजुअल डेवलपमेंट। करिकुलम इज बेस्ड ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट एंड पर्पसेस ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि पूरी तरीके से लर्नर के इर्द गिर्द चीजें घूमती हैं। लर्नर की क्या नीड्स हैं, लर्नर के क्या इंटरेस्ट है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसी के बेसिस पर करिकुलम बनता है। इट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी, यानी कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करे, इस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है ऑप्शंस टू लर्नर्स कि वो कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सी स्किल्स करना चाहते हैं बिकॉज उनकी नीड के हिसाब से है। अब उनकी नीड के हिसाब से है तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी, लर्नर को इम्पोर्टेंस मिलेगी, लर्नर के इंटरेस्ट के हिसाब से होंगे। जितना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस मिलेगा उतना जल्दी वो लर्न करेंगे और उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी। टीचर का रोल एक गाइड की तरह होता है, फैसिलिटेटर की तरह होता है। जहाँ उन्हें लगता है कि बच्चे पीछे हट रहे हैं या बच्चे उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं वो वहीं पे हेल्प करते हैं, अदरवाइज वो ऐसी कोशिश करते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे। फ्लेक्सिबिलिटी इन द यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो पहले हमने बात करी थी, सब्जेक्ट सेंटर की तरह रिजिड नहीं है, बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शंस चेंज कर सकते हैं, इसीलिए फ्लेक्सिबल करिकुलम है। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम की बात करें यानी कि किन सिद्धांतों पे बनाया जाता है कि बच्चे नेचुरली डेवलप करें, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें हों, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल डेवलपमेंट, टीचर का रोल गाइड की तरह हो, कॉपरेशन हो बिटवीन स्कूल एंड होम ताकि बच्चे की ज़रूरतें हैं जो वो पूरी हो सके। क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या मेरिट्स हैं? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है, पर्सनलाइज लर्निंग, बच्चे खुद भी पढ़ सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करते हैं यानी कि हर किसी की नीड रिक्वायरमेंट का ख्याल रखा जाता है। बच्चे क्रिएटिव बनते हैं, इससे नॉलेज रिटेंशन होती है, लंबे समय तक याद की हुई चीज़ों को दिमाग में रख सकते हैं। इंटरेक्टिव होती है ये, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है बच्चे की, बच्चे को एक्टिव बनाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चे की डेवलप होती हैं। डिसएडवांटेजेस यानी कि डी मेरिट्स क्या है? टू मच इंडिपेंडेंस है। अब जरूरी नहीं है कि हर बच्चा अपनी तरफ से ही करे, कुछ बच्चे होते हैं जो कोशिश नहीं भी करते हैं। इंप्लीमेंट करने के लिए टफ है बिकॉज हर बच्चे की जरूरत का ध्यान रखना मुश्किल है। क्लासरूम मैनेजमेंट मुश्किल है, इसके लिए टाइम मैनेज करना मुश्किल है, स्पेशल स्किल्स चाहिए ताकि टीचर हर बच्चे की ज़रूरत को पहचान सके। एक्सपेंसिव है बिकॉज हर बच्चे की नीड के हिसाब से आपको सेटिंग्स करनी होंगी, टीचिंग एड्स का अरेंजमेंट करना होगा। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट्स वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीखें।
दिस अप्रोच डज नॉट इन्वॉल्व अबाउट लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम बट लर्निंग थ्रू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सीखे, प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही ना सीखे बस। इट इज़ रिलेटेड विद कोर डिज़ाइन, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करवाई जाती है इसमें, एंड इट इनकरेजेस एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जब बच्चे को प्रॉब्लम दी जाएगी तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो खुद इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, तो एक्टिव प्रोसेसिंग होगी। इट इज़ रिलेटेड विद लाइफ सिचुएशन डिज़ाइन, यानी कि प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्म, इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू लर्न एंड अप्लाई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर, कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ। मतलब टोटल मिला के यही बात कही गई है कि अगर कभी भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके बेसिस पर चीज़ें सिखाई जाएं, ऐसा अप्रोच लगाया जाए कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। मीन्स लर्निंग थ्रू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हो। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद रिकन्स्ट्रक्शनिस्ट डिज़ाइंस, यानी कि जो करिकुलम है वो ऐसा हो जो सोशल प्रॉब्लम्स को, सोशल एक्शंस को एड्रेस करें, यानी कि सोसाइटी का एक बेहतर मेंबर बन सके बच्चा। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, स्टूडेंट सेंटर्ड है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, यहाँ पर भी टीचर्स फैसिलिटेटर्स की तरह ही काम करते हैं। स्मॉल ग्रुप्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि वहाँ पर हम हर बच्चे की तरफ ध्यान दे सकते हैं कि बच्चा क्या अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट होती रहती है करिकुलम की, बच्चा अपनी क्वेरीज पूछने के लिए फ्री होता है, वो कुछ भी टीचर से पूछ सकता है क्योंकि हमेशा टीचर एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइड उसकी मदद करने के लिए तैयार है। इल स्ट्रक्चर्ड है, कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है इसका, इसकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि टीचर कितने एफिशिएंट हैं, बच्चे कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत होती है जो बच्चों की ज़रूरत को समझ सकें और ऐसी प्रॉब्लम्स उन्हें दे सकें जिसके लिए उन्हें अपने कॉग्निशन का इस्तेमाल करना हो। मेरिट्स हैं इसके, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, डेवलप्स टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, कोलाबोरेशन को प्रमोट करता है बिकॉज ग्रुप्स में सोच रहे हैं, एक्टिव लर्नर बनाता है बच्चे को, इनोवेटिव बनाता है, क्रिएटिव बनाता है। अब फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डिफेक्ट्स हैं एग्जिस्टिंग करिकुलम में। ओवरक्राउडेड विद सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बात की गई है, ना तो सब्जेक्ट्स में ज़्यादा कोरिलेशन है ना ही बच्चे की नीड्स के हिसाब से है कुछ सब्जेक्ट्स, जिसकी वजह से एडुकेशन के नाम पर बच्चों का बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। हम बात तो बहुत करते हैं कि एडुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए कंटेंट सेट किया जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, सबके लिए सेम ही कंटेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रखा जाता है। एग्जामिनेशन सेंटर्ड करिकुलम है, मेन फोकस यही होता है कि बच्चा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रैमिंग प्रमोट करते हैं टीचर्स, बहुत ज़्यादा बुकिश है और थ्योरेटिकल है। लैक ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स है, जिसकी वजह से आगे चलकर बच्चे को वोकेशन चूज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। लैक ऑफ मॉरल एंड सेक्स एडुकेशन है, जिसकी वजह से क्राइम रेट काफ़ी बढ़ता जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे ही क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। अनसुटेबल है फॉर डेमोक्रेटिक सेटअप, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ कंटेंट पे फोकस किया जाता है कि बच्चे इन सब्जेक्ट्स को रट्टा मार लें या समझ लें, बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अनरिलेटेड टू है लाइफ, बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका लाइफ से कोई रिलेशन ही नहीं होता है। नैरो बेसिस है बिकॉज बच्चे के इंटरेस्ट को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, बच्चे की कैपेसिटीज को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। सो आई होप आपको इस टॉपिक का ओवरव्यू मिल गया हो, फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।